फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा एंड टीम को अरेस्ट किया गया है मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा। लेकिन अब इस मामले में एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया है एक्ट्रेस द्वारा, एक्ट्रेस के पब्लिसिस्ट ने इस स्टेटमेंट को रिलीज किया है। अभी एक सवाल या निशान खड़ा कर सकता है और आने वाले दिनों में मुंबई पुलिस के लिए इस मामले में कार्रवाई को और गहराई से जांचने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि मुंबई पुलिस का कहना है कि उनके पास सफिशियंट एविडेंसेस हैं अगेंस्ट राज कुंद्रा जो कि चैट्स से निकले हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता जिस तरह से स्टेटमेंट रिलीज किया गया है। कुछ लाइंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक्ट्रेस का कहना है कि दे हैव अ फुल फेथ इन मुंबई पुलिस, द कोर्ट्स विल इवेंचुअली डिसाइड ड्यूरिंग ट्रायल्स एज हु आर द रियल कल्प्रिट्स। ये एक इंडिकेशन है फॉर द रियल कल्प्रिट्स, अब देखना और समझना होगा। ये क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस इस पर जरूर ध्यान देगी। विच ऑफ द अरेस्टेड एक्यूज वेयर मेयरली यूज बाई अदर्स, अब ये क्या है एक सवाल या निशान खड़ा होता है क्योंकि ये स्टेटमेंट रिलीज किया गया है एक्ट्रेस द्वारा। और जो सबसे मेन लाइन है वो ये है, द पुलिस शुड इन्वेस्टिगेट फुली एज देर आर मेनी मोर स्केलेटन्स इन द कबोर्ड्स ऑफ द रिच एंड फेमस। अब ये तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं ये देखना और समझना होगा। तो फिलहाल एक्ट्रेस द्वारा एक स्टेटमेंट अपने पब्लिसिस्ट द्वारा रिलीज किया गया। एक्ट्रेस हैं गहना वशिष जो कि खुद बेल पर हैं और इसीलिए 50-50 का मामला बैठता है इनके इन सवालों पर, क्योंकि कितनी सच्चाई होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऑब्वियस है कि अगर इसमें कुछ इनपुट्स होंगे तो मुंबई पुलिस इस पर ज़रूर कार्रवाई करेगी। लेकिन देखना और समझना होगा कि आने वाले दिनों में इस खबर पर क्या डेवलपमेंट होगी। क्या सोर्सेस ने जिस तरह से कहा था कि कई और बड़े नाम आ सकते हैं, क्या ये वही इंडिकेशन है, क्या ये वही लीड है जो कि गहना वशिष द्वारा दिया गया, देखना और समझना होगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर, कुछ और खबरों के साथ फिर जल्द जुड़ूंगा। धन्यवाद।